हेलो, गुड मॉर्निंग टू वेलकम टू डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आज है फ्राइडे और है 12 अप्रैल 2024। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले न्यूज़ से। तो देखो, जो आपका जो न्यूज़ है वो पहला यही है कि देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो प्रोजेक्ट किया है इंडिया का जीडीपी 2024-25 का वो 7% प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, अब ये ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है, उसके बाद ये कह रहा है कि ये अभी 7% है, ये 2024 से 2025 में। ठीक है, ये उनका प्रोजेक्शन है। और आगे बात करता है 2025 से 2026 में उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि 7.2% होगा। ठीक है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक्सपेक्टेशन किया गया है। ठीक है, अब ये आगे बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीडीपी में। उन्होंने आगे फिर कहा है कि ये जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी क्या होगा, वो भी गिर करके 5.7% हो जाएगा 2024-25 में। ठीक है, अब आगे ये बात करता है कि फूड इन्फ्लेशन के बाद कि ये जो अमेरिका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसका इफेक्ट जो है हो सकता है एशियन इकोनॉमी में देखने को मिले, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है। ठीक है, तो ये कहता क्या है कि अमेरिका में जैसे कह सकते हो कि इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्फ्लेशन का, ये हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट को लेकर के, वो इंडिया के इकोनॉमिक्स या एशियन कंट्री के इकोनॉमिक में उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये ऑफकोर्स जीएस पेपर 3 मेंस में ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, चलते हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखो, दूसरा न्यूज़ जो है आपका ये है। ठीक है, देखिए, जब से CSDS लोक नीति पोल सर्वे आया है, बहुत सारे डाटा निकल रहे हैं, बहुत सारे डाटा आ रहा है। तो ठीक है, ये जो डाटा है ये देखिए आपका रिलीजन को लेकर के है। ठीक है, रिलीजन बेस्ड डाटा है। इस डाटा में ये कहा जा रहा है CSDS लोक नीति पोल जो सर्वे कराई गई है उसमें ये कह रहा है कि 79% जो रिस्पॉन्स पॉपुलेशन है वो ये बिलीव करती है कि इंडिया बिलोंग्स टू ऑल रिलीजन इक्वली। ठीक है, उनका ये मानना है 79% का कि भारत जो है वो हर धर्म का इक्वली बिलोंग करता है। ठीक है, आगे ये फिर कहता है कि नॉट जस्ट हिंदू, हाईलाइटिंग ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन प्लुरलिटी अक्रॉस द नेशन। ठीक है, यानी केवल हिंदू को नहीं, ये पूरा नेशन जो है हर रिलीजन को क्या कहते हैं, इक्वली ट्रीटमेंट करता है, इक्वली देखता है। ठीक है, ये 79% लोगों का मानना है। ठीक है, अब आगे कहता है कि अर्बन एरिया की बात कर ली जाए और एडुकेटेड पॉपुलेशन की बात कर ली जाए, तो वो जो है अर्बन एरिया और एडुकेटेड पॉपुलेशन की, तो वो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को क्या कह सकते हैं, प्लूरलिज्म की ओर अपने आप को दिखाते हैं। ठीक है, वो बिलीव करते हैं सबसे ज़्यादा प्लूरलिज्म की ओर। ठीक है, अर्बन एरिया वाले और एडुकेटेड पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 85% जो टाउन में शहर में लोग रहते हैं, 85%, ठीक है, वो क्या कहते हैं, 85% जो टाउन में रहने वाले और 84% जो शहरों में रहने वाले हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि जो कंट्री है वो इक्वली नेशन है। ठीक है, इक्वल सबका, सब रिलीजन का इक्वल क्या कह सकते हो, इक्वालिटी देता है। ठीक है, ये आपका 85% टाउन में रहने वाले लोग एग्री करते हैं। ये देखिए, ये जो जितने डाटा दिया गया है ना, आप अगर मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसका एक अलग से नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके मेंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरे डाटा आपको मेंस में काम आने वाले हैं, या ऐसे पेपर राइटिंग होगी ना उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, कोट करने के लिए। तो चलते, ये फिर आगे क्या बात करता है, ये कहता है कि कम से कम 8% जो लोग हैं वो बिलीव करते थे, उनका जो पहला प्रायोरिटी था 8% लोगों का, इंडिया जो इसमें सर्वे में बताया गया कि जो 8% के लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं कि उनका पहला जो प्रायोरिटाइजिंग मुद्दा है वो राम मंदिर था इशू। ठीक है, राम मंदिर का इशू था। ठीक है, जबकि 22% लोग हैं जो ये कहते हैं कि हाँ, मतलब उनका मुद्दा तो है कि गवर्नमेंट का एक्शन होना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उनका प्रायोरिटी नहीं है, उनके वन ऑफ द इशू में आते हैं। ठीक है, अब 48% जो है वो सोचते हैं कि 48% है उनका ये मानना है कि क्या कह सकते हो कि हिंदू आइडेंटिटी स्ट्रेंथन हुई है राम मंदिर बनने से। ठीक है, ये 48% लोगों का मानना है। ठीक है, आगे ये फिर रिपोर्ट क्या कहता है, कहता है आगे ये रिपोर्ट कि 58% जो लोग हैं वो
इलेक्शन कमीशन में डिस्ट्रस्ट दिखाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डिस्ट्रस्ट दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन में, ठीक है, 58%, ठीक है। और इसमें 45% जो लोग हैं उनका ये मानना है कि ईवीएम टैम्परिंग हो रही है रूलिंग पार्टी के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट ये डेटा है कि 45% का मानना है कि ईवीएम टैम्परिंग की जाती है रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा, और 58% लोगों का मानना है कि इलेक्शन कमीशन में डिस्ट्रस्ट है उनको, ठीक है। तो ये रहा सीएसडीएस लोक नीति सर्वे पोल जो कराई गई है इलेक्शन 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर के, उसका ये न्यूज़ है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल। तो देखो, ये जो आपका न्यूज़ है, ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ पर्सनल लॉसेस, ठीक है। ये आर्टिकल कहता है क्या है, तो देखो ये जो आर्टिकल है वो कह रहा है कि देखिए 2019 में जब से पुलवामा अटैक हुआ था इंडिया में, उसके बाद से इंडिया जो है बायलेटरल ट्रेड पाकिस्तान से सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। उसके बाद ये देखने को मिला कि जो लोकल बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अटारी बाघा बॉर्डर के पास जो रहते हैं, उनके बिजनेसेस बहुत में लॉस आई है, उनका बिजनेसेस ठप हो गया है, ये देखने को मिला है, ठीक है। तो ये है क्या, तो देखो ये जो है आपको पता होगा 2019 में 24 फरवरी 2019 को क्या हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था इंडिया में, ठीक है। पुलवामा जो कि कश्मीर में है वहाँ पर अटैक की गई थी और कम से कम हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि एक्शन लिया गया था और रिटेलिएट किया गया था कि पाकिस्तान में अटैक किया गया था जहाँ पर से टेररिस्ट रहते थे, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखने को मिला था कि इंडिया जो है वो पूरी बिजनेस सस्पेंड कर दी, जो भी आपका ट्रेड होता है बायलेटरल दो देशों के बीच में, वो इंडिया पाकिस्तान से बिल्कुल ही ख़त्म कर चुकी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो बिजनेसमैन हैं यहाँ इंडिया के या पाकिस्तान के, उनका पर्सनल लॉस हुआ, उनके बिजनेसेस ठप हो गए, क्योंकि बायलेटरल ट्रेड ख़त्म हो गई तो लेन देन तो ख़त्म हो गया, तो कुछ कोई भी ट्रेड यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता था, तो इसलिए उनका इकोनॉमिक लॉस हुआ है, ठीक है। हालांकि ऐसा ये क्यों कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, तो देखिए इसके पहले जो है हिस्टोरिक है कि इंडिया से पाकिस्तान का जो ट्रेड होता था अटारी बाघा बॉर्डर के पास, वहाँ लगभग डेली की बात कर ली जाए तो एवरेज डेली में 100 लगभग 100 से ज़्यादा ट्रक जो बिजनेस वहाँ जाते थे, आते जाते थे। 100 ट्रक का मतलब एक कह लो कि वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान होता था, ठीक है, ट्रैवलिंग होती थी, ठीक है, जिसका ये लॉस देखने को मिला है, ठीक है। अब ये आर्टिकल में कह रहा है कि लास्ट टाइम जो देखा गया था आपका इंडिया पाकिस्तान का बायलेटरल ट्रेड जो हुई थी लास्ट टाइम, वो 2019 में ही देखा गया था, जो क्या कर दिया है उसके बाद से कभी हुआ नहीं है। उसके कारण क्या हुआ है कि इंक्रीज कर दिया है प्राइस आपका, जैसे कह लीजिए ड्राई फ्रूट्स का इंडिया में बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ से ड्राई फ्रूट्स आते थे पाकिस्तान के द्वारा इंडिया, तो वो इंक्रीज कर दिया गया क्योंकि वो मिल नहीं रही है। उसके बाद बात कर ली जाए तो बॉर्डर इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, और आगे ये बात की जाती है आर्टिकल में कि उम्मीद करते हैं आगे किस रिस्टोर कर ली जाएगी लोकल इकोनॉमिक्स और सब कुछ ठीक होगा, बायलेटरल ट्रेड आगे बढ़ जाएगी, ये आर्टिकल में ये बात करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आर्टिकल है जो आपका ये कह रहा है कि बायलेटरल ट्रेड ख़त्म कर देने से दोनों साइड के देशों को लॉस हुआ है, ठीक है। हालांकि ये गवर्नमेंट का मानना है कि गवर्नमेंट कब शुरू करती है क्या करती है उनके ऊपर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट तब तक आर्टिकल पर, ठीक है। देखो ये जो आर्टिकल बात करता है कि डिस्पाइट द इकोनॉमिक हाउस बीजेपी सेटिंग प्रिटी, देखिए बात किया जा रहा है कि इकोनॉमिक इतना डाउन होने के बाद भी बीजेपी जो है इलेक्शन में इतना अच्छा कैसे है, मतलब इतना अभी तक ठीक ठाक कैसे है, ये आर्टिकल बात करी। बेसिकली ऑथर साहब कह रहे हैं कि लोक नीति सीएसडीएस प्री पोल सर्वे आया है, उसके आधार पर ये आर्टिकल में ऑथर साहब कहते हैं कि जो बीजेपी की अपकमिंग इलेक्शन आ रही है उसमें बीजेपी का पोटेंशियल और स्ट्रेंथन फैक्टर क्या क्या होगा, वो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका आर्टिकल है वो आपका जीएस पेपर 2 में काम आ जाएगा, जीएस पेपर 2 में, और जीएस पेपर
इसमें काम आ जाएगा, देखिए सोशल जस्टिस में आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कहता क्या आर्टिकल, आर्टिकल को हम देख के समझे तो आर्टिकल ये कह रहा है कि बीजेपी का स्ट्रेंथनिंग जो है इस अपकमिंग इलेक्शन में, वो पहला देखिए क्या क्या फैक्टर बनेगा, इंक्लूडिंग स्ट्रेंथनिंग हिंदू आइडेंटिटी का स्ट्रेंथन करना इनका पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर बन जाएगा आपका लीडरशिप एक्सपेक्ट का, ठीक है। दूसरा वोटर का बन जाएगा, जो वोटर ये बिलीव करते हैं कि 370 हटाया गया है उस पर और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, ठीक है, वोटर को ये फैक्टर बनेगा बीजेपी के लिए स्ट्रेंथन, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं की एरिया की बात, तो देखिए इंडिया का जो ग्लोबल इमेज है वो भी फैक्टर बनेगा बीजेपी के लिए इस लोकसभा इलेक्शन में। जैसे आप देख लो कि जैसे G20 समिट कराई गई थी इंडिया में, ठीक है, तो ये ग्लोबल इमेज बन रहा है और इस कारण जो कह सकते हैं कि बीजेपी के स्ट्रेंथन बढ़ेगी लोगों के प्रति, लोग वोटर के अंदर बीजेपी के लिए थोड़ा सा कह सकते हो कि वो ग्लोबल इमेज बन के आएगी कि इस प्रीवियस में ऐसा G20 समिट कराया गया, ठीक है। उसके बाद जो स्लोगन दिया गया था सबका साथ सबका विकास वो और उसके बाद आगे कहा गया सबका विश्वास, वो भी थोड़ा सा वोटर को क्या कह सकते हो आपको कि अट्रैक्ट करेगा। दूसरा आपका बात कर ली जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड और 370 आर्टिकल के बारे में, इन दोनों यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है और आर्टिकल 370 हटने की बात की जा रही है। इसका ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बेनिफिट करेगा, ये ऑथर साहब कह रहे हैं, ठीक है। हालांकि इनका मानना है कि मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ऑथर साहब कह रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट तो करेगा वोटर को मानना, ठीक है। उसके बाद देखिए राम मंदिर कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, वहाँ पर भी आपको ये बीजेपी को हिंदू आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन किया गया है, प्रिफ्रेंस रखा गया वोटर के अंदर, तो बहुत सारा ये सर्वे के अनुसार ऑथर साहब कह रहे हैं कि ये भी बीजेपी को अपकमिंग इलेक्शन में क्या कह सकते हो वोटिंग फैक्टर बनेगा वोटरों में, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि कंसर्न जो है इन सब के बावजूद वो ये है कि डिक्लाइन द ट्रस्ट इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लोगों में विश्वास की भावना इलेक्शन कमीशन को लेकर के कम हुई है, ठीक है, और बाकी जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उनको भी लेकर के कम हुई है। तो ये बेसिकली है, ठीक है, ये बीजेपी को ये ऑथर साहब कह रहे हैं इस आर्टिकल में, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखो ये जो आर्टिकल है वो कह रहा है बेसिकली कि क्वेटा में जो है, क्वेटा जो आपका मणिपुर में है, वहाँ पर देखिए अभी जो ईद आई है, ईद जो होने सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहाँ बहुत डिफरेंट देखने को मिल रहा है इस साल। तो क्या डिफरेंट देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमें पता है कि पिछले एक साल में मणिपुर में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है और अभी भी ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो ईद उल फितर जो हुआ है क्वेटा में, जो मणिपुर में आता है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बीच में सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। और आपको पता ही होगा पिछले एक साल से मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दो कम्युनिटी के बीच, मेयती और कुकी जू के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है उससे ये, और आगे देखते हुए लोकसभा इलेक्शन को, तो ये बहुत ही टेंस सिचुएशन में ये ईद सेलिब्रेट की जा रही है क्वेटा मणिपुर में, ठीक है। और आगे ये बात कर ली जाए तो आगे देखिए ये जो है कि कहा जा रहा है कि मेती लोग जो हैं, मेती मुस्लिम, मेती कम्युनिटी में जो मुस्लिम लोग हैं उनका 8% पॉपुलेशन है मणिपुर में, ठीक है। उनका जो टोटल पॉपुलेशन है वो 8% है, ठीक है। और उन वो लोग बीच में ऐसे ट्रैप हो गए हैं, ट्रैप करने का मतलब कि ये ऐसे फंस चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट में कि वो उनके पास जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब्ड हो गया, बिल्कुल ही मतलब बंद हो गया सप्लाई चेन, और जैसे लिविंग हाई कॉस्ट ड्यू टू ब्लॉकेट, मतलब बिल्कुल उनको कोई भी सुविधा नहीं प्रोवाइड की जा रही है, जैसे वो कुछ भी सेलिब्रेट करना हो या कोई भी मतलब फैसिलिटी हो उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही, उसमें बिल्कुल वो क्या हो गया क्या कि ट्रैप हो गए हैं, ठीक है, उस कन्फ्लिक्ट में, ठीक है। और आगे पॉलिटिकल बात, इस पॉलिटिकल नज़रिए से इसकी बात कर ली जाए तो देखिए पॉलिटिकल नज़रिए से ये जो है ये देखने को मिला है कि कांग्रेस जो है वो पहला, कांग्रेस जो है वो मेती मुस्लिम से इंगेज हो रही है अपनी वोटिंग के लिए, ठीक है। इलेक्शन आपको पता होगा 2024 को देखते हुए आपका फर्स्ट फेज में मणिपुर में भी इलेक्शन है, तो आपका 19 अप्रैल को जो है उसमें ये देखने को मिला है जो कांग्रेस है वो इंगेज हो रही है मेती मुस्लिम के द्वारा, मेती मुस्लिम से इंगेज कर रही है और उनको वोटिंग अपील कर रही है, ठीक है, वोटरों को अपने पर अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है।
लेकिन बीजेपी की बात कर लीजिए, बीजेपी वहाँ क्या, बीजेपी बहुत ही कॉशियस अप्रोच कर रही है, जो कि किसके द्वारा कर रही है, कॉशियस अप्रोच कर रही है और असिस्ट कर रही है किसको, नेशनल पीपुल पार्टी को, जो कि मणिपुर का पार्टी है, ठीक है, नेशनल पीपुल पार्टी को, तो इनको अप्रोच कर रही है पॉलिटिकल डायनेमिक को देखते हुए बात की जाए, ठीक है। और साथ ही आपका ईद की बात कर लीजिए, तो ईद बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में मनाया जा रहा है इस साल मणिपुर में, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये रहा, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर, हमारा दूसरा आर्टिकल क्या कहता है। देखो ये जो आर्टिकल है वो कह रहा है, देखिए 25 सीट 8 स्टेट रोड टू लोकसभा पासेस थ्रू द नॉर्थ ईस्ट रूट। देखिए लोकसभा इलेक्शन आपके पीक पर है, ऑफ कोर्स फर्स्ट जो पोल है आपका 19 अप्रैल को देखने को मिलेगा, उसमें ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो टोटल सीट है वो है 25, ठीक है। अब 25 सीटों में कहा जा रहा है कि इसमें पॉलिटिकल इमर्जिंग देखने को मिलेगा, जिसमें क्या किया जा रहा है कि एनडीए जो है, एनडीए अलायंस जो है, ऑफकोर्स बीजेपी की अलायंस, तो उसको उसका एम जो है कि लगभग जो है कि 25 सीट को विनिंग लाना है, ठीक है। जिसमें से प्रीवियस ईयर की बात कर ली जाए तो 2019 में देखने को मिला था कि बीजेपी 25 में से 19 सीटें यहां से जीती थी नॉर्थ ईस्ट के तरफ से, ठीक है। और अगर बीजेपी का एम है कि चार, एक सेकेंड, एक मिनट, सॉरी, हाँ, अगर बीजेपी का एम है इस बार उनका एज पर योर हर स्लोगन कि उन्होंने कहा है कि 400 पार, तो उनको 400 पार करना है। तो ये आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि बीजेपी को 25 में से 25 लानी होगी, प्रीवियस जो 19 लाए हैं उनमें से वो पास करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो 25 का सीट नेशनली में कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें रीजनल पार्टी की बात कर ली जाए तो रीजनल पार्टी के साथ जो अलाइन है बीजेपी की, वो देखिए नॉर्थ ईस्ट में डेमोक्रेटिक अलाइंस है, बीजेपी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलाइंस रखी है, ठीक है, जिसमें कहा जा सकता है कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा, जो कह सकते हो नेशनल इम्प्लीकेशन लाएगा और कह सकते हो कि पॉलिटिकल लैंडस्केप बनेगा, क्योंकि बीजेपी वहाँ अलाइंस करके लड़ रही है रीजनल पार्टियों से, ठीक है। आगे ये बात करती है कि ये जो इलेक्शन है उसमें देखिए मुस्लिम वोटर जो है, मुस्लिम वोटर भी, मुस्लिम वोटर की जो संख्या है वो कम से कम बताई जा रही है 8 से 10% है, ठीक है, अगर पूरी नॉर्थ ईस्ट की बात कर ली जाए तो, ठीक है। उसमें ये कहा जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि मुस्लिम वोटर जो है AIUDF के द्वारा, AIUDF के साथ ही जाएंगे उनके वोटिंग में, ठीक है, जिसमें कह सकते हैं कि AIUDF के द्वारा कांग्रेस की बहुत ज़्यादा वहाँ पर पकड़ है, कांग्रेस की बहुत ज़्यादा वो क्या कह सकते हो उसमें अलायंस है AIUDF के द्वारा, ठीक है। तो हो सकता है कि वो मुस्लिम वोटर कांग्रेस के तरफ जाएं, और ये कहा जा सकता है कि उस तरफ फैक्टर बनेगा 8 से 10% का, ठीक है। अब जो प्रीवियस की बात कर ली जाए 2019 में, तो 2019 में देखिएगा कि जो सीटें आई थी कितनी कितनी आई थी, देखिए नॉर्थ ईस्ट को मिला लिया जाए तो देखिए 2019 में क्या हुआ था, बीजेपी को 19 सीटें आई थी, 33% वोट मिले थे, कांग्रेस को 4 सीटें आई थी, 20% वोट मिले थे, AIUDF की बात कर ली जाए तो 1 सीटें आई थी, अब वो कांग्रेस के साथ अलायंस में है, ठीक है। IND की बात कर ली जाए तो ये भी 1 सीटें लाई थी, NF की बात कर ली जाए तो ये भी देखिए आपका 1 सीटें लाई थी, NDPP की बात कर ली जाए तो वो भी 1 सीटें लाई थी, और NPEP की बात कर ली जाए तो ये भी 1 ही सीटें लाई थी। देखिए ओवरऑल बाकी सब 1 ही सीटें लाई थी, ओवरऑल कांग्रेस और ये बीजेपी 14 और 4 पे थी, ठीक है। तो इस बार देखने को दिलचस्प रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट के 25 सीटें आपका कहाँ कहाँ जाती हैं, ठीक है, ये औसा साहब का कहना है, ठीक है। तो ये रहा इस आर्टिकल, चलते हैं हम अपने दूसरे न्यूज़ पर। देखो ये जो आर्टिकल है, देखिए इसराइल जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुका है ईरानियन थ्रेट के द्वारा, ठीक है, जैसा कि गाज़ा वॉर चल रही है उसमें, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ कह रहा है, ये न्यूज़ में ये है कि देखिए ये कहा जा रहा है कि इसराइल जो है अपने सिक्योरिटी मेजर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है और बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हो इन्हांस और इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और बात कर लीजिए कि US का सपोर्ट मिला है आयरन क्लॉड के द्वारा, ठीक है, आयरन क्लॉड US ने सपोर्ट किया है, और साथ में ये कहा गया है कि जो ईरान के द्वारा स्ट्राइक होगा सीरिया में हुआ है, और उसमें देखने को मिला है ईरान ने सीरिया पे स्ट्राइक किया और उसमें देखा गया कि 2 ईरानियन जनरल को मार दिया गया, ठीक है।
तो ये देख ये हुआ है। इसके बाद क्या हुआ है कि इसराइल बहुत ही अलर्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स ले रहा है अपने सिक्योरिटी इन्हांस करने के लिए। ठीक है, बात कर लिया जाए प्रधानमंत्री नेतन्याहू की, तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहाँ क्या कर रहे हैं, वो बियॉन्ड ऑन गोइंग गाजा कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को प्रिपेयर कर रहे हैं। जो भी उनके चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं गाजा वॉर में, उसकी बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेजर्स ले रहे हैं, और जो रीजनल थ्रेट देखने को मिल रहा है उसके अगेंस्ट वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही सिक्योरिटी मेजर ले रहे हैं जिसमें कोई इसराइल को नुकसान ना हो। ठीक है, अब बात कर लीजिए इंटरनेशनल कॉल पर, तो इंटरनेशनल कॉल में देखिए क्या हुआ था कि रिस्ट्रेन कर दिया गया था इमर्ज फ्रॉम द रशिया और जर्मनी के द्वारा। ठीक है, तो जिसमें क्या हुआ था कि वेस्ट एशिया में काफ़ी टेंशन बढ़ गई थी, डिप्लोमेटिक टेंशन कह सकते हो इसराइल को लेकर के, जैसे ही आपका रशिया और जर्मनी ने रिस्ट्रेन कर दिया था आपका इमर्ज कॉल को लेकर के। ठीक है, इंटरनेशनल में अंतर्राष्ट्रीय पर आवाज़ नहीं उठाई गई थी इसराइल को लेकर के रशिया और जर्मनी के द्वारा। ठीक है, अब अभी तक बात कर लीजिए गाज़ा वॉर की, तो इसमें ये देखने को मिला है कि अब तक 33,445 यानी लगभग 34,000 लोग जो हैं वो कैजुअल्टी हो चुके हैं गाज़ा में। ठीक है, और आगे अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, तो हो सकता है कि और ज़्यादा संख्या बढ़ाकर देखने को मिले आपको। ठीक है, तो ये था न्यूज़ आपका इसराइल को, जो इसराइल बिल्कुल ही अलर्ट पर है। ठीक है, चलते हैं हम अपने दूसरे आर्टिकल पर। तो दैट्स फॉर द टुडे न्यूज़। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद, थैंक यू।